जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पिशावर हाई कोर्ट आए राहदारी जमानत के लिए, बहुत शुक्रिया सर। ये बताए कि किस केस में आप पिशावर हाई कोर्ट आए और अदालत में क्या हुआ, आपको जमानत मिल गई? केसेस तो काफी हैं और राहदारी जमानत अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। अच्छा, ये कौन सा केस था जिस के लिए आप राहदारी जमानत जो है ले रहे थे? ये केसेस मैं कह रहा हूँ ना, मुख्तलिफ केसेस थे, ये बड़े सारी बोगस केसेस हैं। ये तो बहुत ही एक मजायका खेज किस्म का एक केस है कि दो लोग लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ उन्हें, मेरे पे केस हो गया, तो अजीब सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मिली है। ये तो लग रहा है बहुत जल्दी, और मैं सबको ये भी दावत देता हूँ कि डी चौक में होगी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हलफ बरदारी की तकरीब इंशाल्लाह, और वो दिन दूर नहीं है, मंजिल करीब है पाकिस्तान। और मैं ये कहूँगा कि मियाँ वाली जो है वो तैयारी करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो मियाँ वाली से इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। नहीं बस इधर ही थे पाकिस्तान में ही। हमारे लीडर इमरान खान ने जितनी इस कौम के लिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह, और फिर जिस तरह इमरान खान ने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी इस कौम को मायूस नहीं किया, इस कौम ने भी मायूस नहीं किया। जो जिस तरह से लोग निकले हैं 8 तारीख को, जिस तरह से जो वोट वोट डालने के लिए निकले हैं लोग, ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही कमाल कर दिया लोगों ने। तो मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि जितने भी मजलूम बेगुनाह लोग जो हैं, जो अभी भी अपने प्यारों से, अपने अपनों से दूर हैं, उनको इंसाफ मिले, वो जल्द अपनों के पास पहुँचें। और इमरान खान के लिए सबसे और उनकी अहलिया बुशरा बीबी सबके लिए दुआ गो हैं कि सब जो हैं जल्द, जो हैं जितने बेगुनाह मजलूम लोग सारे, सबके लिए दुआ गो कि जल्द वो रिहा हों। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो 9 मई के वाकयात हुए वो क्या था? क्या वाकई इस तरह था कि नहीं? नहीं, आप लग उस पे तो बड़ी, इमरान खान साहब की बड़ी पहले दिन से बड़ी क्लियर पोजीशन है कि उस पे आप इन्वेस्टिगेशन करें, उस पे पूरी पूरी एक उस पे होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और जो उसमें कसूरवार हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये उस पे पूरी इमरान खान साहब ने जो पहले दिन से उनकी बड़ी क्लियर पोजीशन है इस पे। अच्छा, मरकज हुकूमत के बारे में बताएं, आपके पास भी खबरें होगी, मरकजी रहनुमा हैं आप, तो वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या मेरा ख्याल है जो मैंडेट पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को दिया है वो मिलना चाहिए, और क्लियर कट 180 सीटें सेंटर में जीते हैं इमरान खान, और वो मिलनी चाहिए, और फिर इमरान खान की इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बना तो क्या आप लोग उसे वजीर आजम तस्लीम करेंगे? 17 सीटों पे तो नहीं करेंगे ना।